तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, और आप सभी को सावन के पहले सोमवार को बहुत सारी बधाइयाँ। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और उसके पीछे मेरे ऊपर भी बनाए रखे। तो आज से मैं अपना 16 सोमवार उठा रही हूँ। जैसे कि आप लोग पता है कि सावन से 16 सोमवार उठा सकते हैं, और मेरा बड़ा अचानक से मन कर गया कि मैं 16 सोमवार का व्रत करूँ। तो 16 सोमवार के व्रत में ना आप मिट्टी का सबसे महाउत्तम माना जाता है, मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करें। तो मेरे शिवलिंग है, लेकिन मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने का ज़्यादा महत्व होता है। तो ये तो मतलब मैं किसी मिट्टी का शिवलिंग बना, जिसे मुझे हमेशा विसर्जन करना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखे, मैं एक जगह ही आपको पूजा करना होता है। जैसे आप एक जगह जहाँ पे आसन डाल दिए ना आज के दिन, तो आपको 16 सोमवार यही पूजा करना होता है। जो अगर आपने भोग लगा लिया तो आपको 16 सोमवार यही भोग खाना होता है। इसमें बहुत कठिन होता है व्रत ये। तो मैं बालकनी में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत गर्मी है, तो मैं सोची नहीं बालकनी में ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कलश रख रही हूँ, मैंने अष्ट दल बना लिया, कमल अष्ट दल बना लिया, और चावल से फिर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। मैं इसी तरह से जो भी जितना भी मुझे आता है मैं उतना पूजा कर रही हूँ, दिल से और श्रद्धा से की जाती है। भूल चूक महादेव जी सब माफ़ करे, गलती क्षमा सब माफ़ करे। तो आगे मैं कोई भी बुरा सबर नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने अपना पूरा जो कथा वथा कहा आरती का, ये ब्लॉग में पूरा डाल रही हूँ ऐसे ही, तो आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तो लोग, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में, और आप लोग भी भगवान का मतलब ये देखिए कि कैसे मैं की हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करना शुरू कर दी हूँ। तो मिट्टी के मैं थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाऊँगी, ताकि मतलब ये मिट्टी का ये ना हो के। तो चलिए मैं वो सब नहीं करूँगी, आप लोग खुद अपना इंजॉय कीजिए। आप ही के लिए बना रहे हैं, हम एक स्टैंड में लगा देंगे और एक शॉट बना देंगे। क्या पूजा कल होगी तो फिर हम कहाँ ला रखेंगे। भुसाई के पास ले गए। यह देखकर भुसाई जी समझ गए कि यह कुली नबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोली, बेटी तुम मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर, रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को सोना था उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गई भुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव को अपराध है, आराधना से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। भुसाई जी ने शिव जी को प्रार्थना की। भुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने समिधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी को पता बताया। राजा ने जाकर भुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, शिवजी के रूप होने से मैंने इसे परित्याग किया, अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। भुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर आए, नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोचार हुआ। शिवजी को कृपा से व्रत प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत करने को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। अतः सोमवार व्रत करते। एक साहूकार बहुत ही धनवान था, उसको धन के अधिक धन आदि में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत करता है, बड़ी पूजन बड़ी श्रद्धा से करता रहता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए।
जी ने कहा हे पार्वती जी, यह साक्षात कर्म क्षेत्र जैसे विशाल खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा है महाराज, अब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि आपको किसी प्रकार की कोई दुख है तो उसको आप अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों को दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आप क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी को ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रश्न होकर कहने लगे हे पार्वती, इसको इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था, इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्वतः वैसे ही शिवजी महाराज को सोमवार का व्रत करता और पूजन करता। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई, 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सुखी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वो 11 साल का हो गया तो उसके बालक की माता उसके पिता उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ कराते दान देते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंख का काना था। लड़के के पिता इस बात की बड़ी चिंता थी, वह वर को देखकर कन्या का माता पिता के विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा हो, इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि तू न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार करते राजा ने उस लड़के को उसके मामा से कहा, वह राजी हो गया और साहूकार के लड़के को स्नान कराकर कपड़े गहने वर के कपड़े पहनाकर घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरो और कन्यादान का काम करा दो तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में कुछ बहुत धन दे देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ उनको भेजेंगे वह ये गांव का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ नहीं हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का उसके मामा काशी जी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने यह करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरम्भ कर दिया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी घर से जा रहे थे, जब उन्होंने जोर जोर से रोने पिटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़की को मरा देकर उन्होंने कहने लगी, हे महाराज यह तो उस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हाँ पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भाग्य भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके बालक को और आयु दे नहीं और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज के पास लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यह करते हुए अपने घर की ओर तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यह आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल लाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन देकर दासियों सहित बड़े आदर से सत्कार के साथ अपनी लड़की को जमाई के विदा किया। और जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने यही प्रण कर रखा था यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से जीकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के का मामा ने आकर सारा समाचार दिया तो आपका पुत्र आ गया
पुत्र उनको उनको विश्वास न आया तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार से जो भी कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके दुख दूर होते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक प्राप्ति होते हैं। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सुधा के द्वार मात्र मात मोह दर्शन कर सोया है, गोपाल भिक्षा ले जा शिव कैलाश पार पर्वत से आया है। माता तेरे प्यारे ने जन्म है जग का विधाता, विनती करूं बार बार माता मोह दर्शन कराता। बाबा तेरे गले में सर्पों की माला, खटन करो बार बार भिक्षा ले जा शिव करता है जिससे जगते मैं एक विचार दर्शन की महिमा पर माता मोहे दर्शन कराएगा। बड़े भाग्य से यह दिन मेरे घर में आया, बीती उमरिया एक बेटा जो पाया। वंदना करूं बार बार भिक्षा ले जा मेरा बेटा, समझती जिसको तू माता। बोलती है सारे जल का विधाता, लीला परम पार है। माँ मोहे दर्शन करा दे मेरा यही अहकार है। गलती यशोदा मैया अंदर को धाई देवी माँ की जय कर, माता मोहे दर्शन कर मोहे दर्शन कर। बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय, नमा पार्वती मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय।
Thank you.